लॉ में हमने बहुत सारी बातें कर ली। हमने फाइनाइट वायर कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना देख लिया, उसकी डायरेक्शन की भी बात कर ली। अब प्रॉब्लम ये होता है कि अल्फा और बीटा निकालने बहुत बच्चों को प्रॉब्लम में आती है कि भाई अल्फा कैसे निकालें, बीटा कैसे निकालें, क्या पता है अल्फा क्या है, कभी अल्फा पॉजिटिव हो सकता है, कभी अल्फा निगेटिव हो सकता है। तो आज का लेक्चर जनरली अपन वायर की बात करेंगे कि वायर में कैसे अल्फा डिसाइड करें, कैसे बीटा डिसाइड करें। वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैट में मैं बता चुका हूँ अल्फा और बीटा बताने का, कोई बात नहीं, यहाँ दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि अल्फा और बीटा डिसाइड कैसे करते हैं, कैसे अपन बात करते हैं कि अल्फा क्या होगा बीटा क्या होगा। अरे बात सुन, तो अल्फा और बीटा डिसाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, तुम्हें फार्मूला अगर याद हो, अगर तुम्हें फार्मूला याद हो तो मैं बताता हूँ कि किसी फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता क्या, सॉरी किसी फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है, पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। तो किसी फाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πD साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये होता है, ये बी का मैग्नीट्यूड होता है किसी वायर की, डी क्या होता है उस वायर से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस वायर से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमारा डी होता है। अल्फा और बीटा हम साइन के साथ ले चुके होते हैं, लेकिन अल्फा और बीटा का साइन कैसे एज्यूम करते समझना, क्योंकि यहीं पे सारा खिस्सा फंसा हुआ है। जैसे मैं यहां बोलूं अल्फा कितना है, ऑब्वियसली बात तुम देख के बोलोगे अल्फा 30 डिग्री है, बीटा कितना है 60 डिग्री। कि अल्फा और बीटा हम डिसाइड कैसे कर रहे हैं समझना, ये नॉर्मल वाली लाइन है, ये लाइन कौन सी है, ये है नॉर्मल वाली लाइन, नॉर्मल वाली लाइन ये। इस लाइन से अगर पहले इंड को ज्वाइन करने के लिए, इस लाइन से अगर पहले इंड को ज्वाइन करने के लिए मैं कैसे घूम रहा हूं ये देखो, इस लाइन से इस इंड को ज्वाइन करने के लिए मुझे घूमना पड़ रहा है, कैसे देखो, मुझे घूमना पड़ रहा है क्लॉकवाइज। यानी कि अल्फा का कन्वेंशन क्या बोलता है कि तुम्हें नॉर्मल वाली लाइन से क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा पहले इंड को ज्वाइन करने के लिए, तो वो अल्फा होगा। बीटा का कन्वेंशन क्या बोलता है, नॉर्मल वाली लाइन से दूसरे इंड को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, यानी कि बीटा का कन्वेंशन है एंटी क्लॉकवाइज। ये दो बातें तुम्हें ध्यान में रखनी है जब भी अल्फा की बात हो, नॉर्मल वाली लाइन से पहले इंड को ज्वाइन करने के लिए अपने को कैसे घूमना है, अपने को घूमना है क्लॉकवाइज, और बीटा के लिए अपने को कैसे घूमना है, नॉर्मल वाली लाइन से अपने को घूमना है एंटी क्लॉकवाइज दूसरे इंड को ज्वाइन करने के लिए। ये कन्वेंशन है, यानी कि इस पर्टिकुलर सवाल में अगर कन्वेंशन पे चला जाए तो अल्फा के लिए मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, बिल्कुल सही है, अल्फा विल बी प्लस 30 डिग्री, बीटा के लिए मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, कन्वेंशन भी एंटी क्लॉकवाइज बोलता है, बीटा भी आ जाएगा प्लस 60 डिग्री, बिल्कुल 30 और 60 यहां डालोगे विदाउट साइन, 30 और 60 डालो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कोई कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल यही कन्वेंशन रखना, अल्फा के लिए मुझे घूमना है क्लॉकवाइज, पहले इंड को ज्वाइन करने के लिए मैं घूम रहा हूं क्लॉकवाइज, और बीटा के लिए दूसरे इंड को ज्वाइन करने के लिए मैं घूम रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, यही हमारा कन्वेंशन बोलता है और इसी पे अपना सारा कुछ बेस्ड होता है। अरे ये बात समझ में, ये कन्वेंशन हो गया और इसी पे सारा कुछ बेस्ड रहेगा। अपन यहां की बात करते हैं, यहां देखो क्या है, यहां की अगर बात की जाए तो यहां पे देखो ये है मेरी नॉर्मल वाली लाइन, पहला इंड यही पे आ रहा है, पहला इंड यही पे आ रहा है, यानी कि नॉर्मल वाली लाइन से पहले इंड को ज्वाइन करने के लिए हमें घूमना ही नहीं पड़ा, यानी कि अल्फा यहां पे हो जाएगा 0 डिग्री। दूसरा इंड है सेमी इनफाइनाइट, मतलब बिल्कुल नीचे सेमी इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट पे है दूसरा इंड, यानी कि दूसरे इंड से ज्वाइन करने के लिए मुझे अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन ही आना पड़ा, यानी दूसरे इंड को ज्वाइन करने के लिए मुझे बिल्कुल नीचे जाना पड़ रहा है। यानी कि यहां अगर मुझसे कोई बोला कि यहां बीटा कितना है, तो अल्फा तो 0 है, बीटा है प्लस 90 डिग्री, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बीटा के लिए मुझे नीचे जाना पड़ रहा है और मैं एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा हूं, यानी कि बीटा का कन्वेंशन के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज घूमना था, इसीलिए बीटा यहां पे हो जाएगा प्लस 90 डिग्री। जब तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बी का फॉर्मूला आ जाएगा साइन अल्फा 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन बीटा यानी कि 90, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी कि बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4πD। बिल्कुल सिंपल सी बात है। डायरेक्शन कैसे, वायर की हाथ, वायर की करंट की डायरेक्शन में हाथ दो, पाप तुम्हारा दे रहा डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी, पहले भी बता चुका हूं मैं, इसकी बात करते हैं। यहां देखो ये इनफाइनाइट वायर है, पहले ही बता चुका हूं, ये नॉर्मल वाली लाइन से मुझे क्लॉकवाइज घूमना है अल्फा के लिए, क्लॉकवाइज के लिए मुझे
पहले इंड को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट जाना पड़ रहा है क्योंकि इनफाइनाइट पे है ये वायर, यानी कि अल्फा यहाँ पे हो जाएगा प्लस 90 डिग्री, बीटा के लिए बिल्कुल नीचे जाना पड़ा है और एंटी क्लॉकवाइज कन्वेंशन भी मुझे एंटी क्लॉकवाइज के लिए ही बोलता है, यानी कि बीटा यहाँ हो जाएगा माइनस 90 डिग्री साइन, सॉरी प्लस 90 डिग्री साइन 90 की वैल्यू 1, दोनों में अल्फा के लिए भी 1 बीटा के लिए 1, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ गया, यानी कि आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 से 2 काट दो 2 पाई डी, यानी किसी भी इनफाइनाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। आ गई होगी बात समझ में, अपन इसकी बात कर लें। यहाँ देखो, यहाँ पे जो मेरी वायर है ये इतने छोटे से लेंथ का ये वायर है, इतने छोटे से लेंथ का ये वायर, इतना ही लेंथ का है बस। अब इतने से छोटे लेंथ के वायर की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहीं यहाँ पूछा है इसने, यहाँ पे उसने क्या बोला कि यार ये एंगल 30 और ये भी एंगल 30 है, अब बताओ यहाँ अल्फा और बीटा क्या लोगे। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, समझना इस चीज को। पहले तो देखो नॉर्मल वाली लाइन क्या है, वायर को आगे तक प्रोड्यूस करो। जब तुम वायर को आगे तक प्रोड्यूस करोगे तो ये वाली लाइन ही मेरी नॉर्मल वाली लाइन है। अब नॉर्मल वाली लाइन से अगर तुम क्लॉकवाइज घूम के पहले एंड को ज्वाइन करते हो तो वो अल्फा कहलाता है। नॉर्मल वाली लाइन से क्लॉकवाइज घूमना है, बट यहां पे पहले एंड को ज्वाइन करने के लिए नॉर्मल से मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमना मुझे पड़ रहा है। घूमना चाहिए था क्लॉकवाइज, बट यहां पे इस एंड को ज्वाइन करने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा, यानी कि मैं कन्वेंशन के उल्टा जा रहा हूं। मैं कन्वेंशन के उल्टा जाऊंगा, अल्फा यहां पे माइनस 30 डिग्री होगा ना कि प्लस 30 डिग्री होगा। क्यों हुआ? क्योंकि नॉर्मल वाली लाइन से मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं पहले इंड को ज्वाइन करने के लिए 30 डिग्री, बट हमारा कन्वेंशन क्या बोलता है? हमारा कन्वेंशन हमें ये बोलता है जब भी नॉर्मल वाले की बात हो कि हमें नॉर्मल वाली लाइन से क्लॉकवाइज नहीं घूमना है, हमें नॉर्मल वाली लाइन से क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमना है, बट पहले एंड को ज्वाइन करने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, यानी कि जो कन्वेंशन है उसके उल्टा हम चल रहे हैं। इसी वजह से अल्फा यहां माइनस 30 आएगा। बीटा की बात करें, नॉर्मल वाली लाइन से हमें दूसरे एंड को ज्वाइन करने के लिए पूरा घूमना पड़ा, यानी कि हमें 60 डिग्री घूमना पड़ा, और कैसे घूमे हम? एंटी क्लॉकवाइज घूमे। और बीटा का कन्वेंशन भी यही बोलता है कि बेटा तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है, यानी कि बीटा इज इक्वल्स टू प्लस 60 डिग्री, बीटा इज इक्वल्स टू प्लस 60 डिग्री, ये होगा बीटा। देखो इस वाली लाइन से घूम जाओ पूरा कैसा एंटी क्लॉकवाइज, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस 60 डिग्री। आ रही बात समझ में? अल्फा और बीटा डालोगे फॉर्मूला में, वहां से तुम्हारा आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा यानी कि साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री प्लस साइन बीटा यानी कि साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है, यानी कि माइनस बाहर में आ जाएगा, और ये साइन 30 माइनस साइन 30 प्लस साइन 60 आ जाएगा। यहाँ से अपन बी कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। कन्वेंशन देखो कि कन्वेंशन क्या बोलता है और हम कैसे घूम रहे हैं, क्या हम कन्वेंशन की डायरेक्शन में घूम रहे हैं या उसके अपोजिट घूम रहे हैं। जैसे कि ये सवाल दिया गया है, पॉइंट यहाँ पे ओ है, ये वायर ऐसा है, मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है, मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले वायर को प्रोड्यूस करो, नॉर्मल वाली लाइन ड्रॉ करो, ये है मेरी नॉर्मल वाली लाइन। अब देखो नॉर्मल वाली लाइन से पहले एंड को ज्वाइन करने के लिए मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ 60 डिग्री, और अल्फा भी क्लॉकवाइज ही घूमना रहता है। कितना घूमा मैं? 60 डिग्री घूमा, क्लॉकवाइज घूमा, कन्वेंशन भी मुझे क्लॉकवाइज के लिए ही परमिशन दे रहा है, यानी कि अल्फा विल बी इक्वल्स टू प्लस 60 डिग्री। बट वही अगर मैं बीटा की बात करूं, नॉर्मल से दूसरे एंड को ज्वाइन करने के लिए, नॉर्मल से दूसरे एंड को ज्वाइन करने के लिए घूमना चाहिए था मुझे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बीटा का कन्वेंशन बोलता है एंटी क्लॉकवाइज, बट मैं घूम कैसे रहा हूं? मैं तो घूम रहा हूं क्लॉकवाइज, यानी कि बीटा जो हुआ कितना घूमा दूसरे एंड को ज्वाइन करने के लिए 30 डिग्री घूमा, बीटा की वैल्यू आएगी यहां पे माइनस
30 डिग्री कन्वेंशन के हिसाब से देखो कि हमें घूमना कैसे है, उसके बाद सब चीज़ों को डिसाइड करो। आ रही बात समझे? जैसे कि एक सवाल मैंने यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ ये है तो सेमी इन्फाइनाइट वायर, बट नॉर्मल वाली लाइन ये है और ये एंगल 30 है। आ रही बात समझे? अब नॉर्मल वाली लाइन से पहले इनको ज्वाइन करने के लिए मैं क्लॉकवाइज 30 घूम रहा हूँ, बिल्कुल सही है, कोई लफड़ा नहीं है। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस 30 डिग्री, क्योंकि वो भी क्लॉकवाइज घूमने ही बोलता है, और बीटा के लिए मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जो कि ये सेमी इन्फाइनाइट वायर है, मुझे 90 डिग्री घूमना पड़ेगा, यानी कि बीटा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी प्लस 90 डिग्री, काम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है सवालों को। एक सवाल, ये तो कन्वेंशन की बात आ गई, एक सवाल चलो अपन लेते हैं और देखते हैं कैसे अपन इन चीज़ों का यूज़ करके, चलो एक सवाल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, कैसे अपन सॉल्व करें कुछ अगर सवाल हमें दिया गया। मान लो एक सवाल हमारे पास कुछ ऐसा दिया गया है, सपोज करो अब मैं मिक्सअप प्रॉब्लम लेता हूँ, कुछ मिक्स्ड सवाल लेते हैं। मैंने बोला यार यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है और यहाँ से करंट आई निकल रहा है। मैंने बोला सारा साइड जो है वो ए है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो कितना होगा। अब देखा जाए तो बताओ इस वायर में कितना पार्ट है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन, चार, पाँच, छः, कुल मिला के छः पार्ट है। छो पार्ट की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालनी है, कैसे निकालोगे बताओ। पहले तो मैं इस पार्ट और इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, एक वायर के लिए अगर ये पॉइंट इसके ऊपर ही लाई करे, मान लो ये वायर है और ये पॉइंट यही लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। क्यों? अगर तुम वायर को प्रोड्यूस करो तो ये पॉइंट उसके लाइन में ही लाई कर रहा है, यानी कि आर वेक्टर या डी वेक्टर की वैल्यू जीरो। भाई आर वेक्टर म्यू नॉट आई अपॉन 4πdl क्रॉस आर, आर ही, आर तो जीरो है भाई। इस वायर के लिए ये पॉइंट उसके उसके ऊपर ही लाइक कर रहा है, यानी कि इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। इसी वजह से जो कि ओ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट यहीं से पास हो रहा है, ये वायर को प्रोड्यूस करो यहीं से पास हो रहा है, यानी कि इसकी और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि बायोट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर मेरा आर दूरी ही जीरो हो जाएगी, वायर के ऊपर ही बैठ जाऊंगा, मेरी दूरी ही जीरो हो गई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसकी और इसकी वजह से जीरो होगा। अब मेरे पास कितने वायर है? चार, एक, दो, तीन, चार। अब देखो डायरेक्शन की बात करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे डायरेक्शन कैसी आएगी? देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अंगूठा, आर की डायरेक्शन में ये फोर फिंगर्स, पाम बता रहा है डायरेक्शन अंदर की तरफ आई। यहाँ देखो, यहाँ इसकी वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अंगूठा, ये फोर फिंगर आर की डायरेक्शन में अंदर। इसकी वजह से बात करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अंगूठा, फोर फिंगर आर की डायरेक्शन में अंदर, यानी कि इन तीनों की वजह से अंदर आई। इसकी वजह से बात करो यहां करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, जो भी करंट आएगा वो दोनों में डिवाइड होगा, ध्यान रखना जो भी करंट आएगा वो दोनों में डिवाइड होगा। इसकी वजह से बात करो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चला रहा है बाहर, यानी कि इन तीनों की वजह से अंदर और इसकी वजह से बाहर। अल्फा और बीटा की बात कर ले, पहले तो मैं इसकी बात करता हूं, किसी एक को पकड़ता हूं, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई वन और नीचे वाले में करंट फ्लो कर रहा है आई टू, करंट आई दोनों में डिवाइड किया। मैंने बोला ये है पहला एंड, ये है नॉर्मल, ये है मेरा अल्फा, ये है मेरा बीटा। सिंस ये स्क्वायर है, ए साइड का अल्फा और बीटा 45 डिग्री होगा, होगा 45 डिग्री। अब मैं इसके वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड लिख दूं, म्यू नॉट आई वन अपॉन 4πd, डी कितना? परपेंडिकुलर दूरी, जो कि ए का हाफ, ए बाय टू। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा नॉर्मल से बिल्कुल कन्वेंशन की तरह घूमे हैं, यानी कि साइन 45 प्लस साइन 45, यानी कि 2/√2। डायरेक्शन किधर की तरफ है? डायरेक्शन है अंदर की तरफ, अभी बताया डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इसी वजह से यहाँ आ जाएगा माइनस के कैप। ये तो सिर्फ एक वायर की वजह से आया, बाकी सब की वजह से वही अल्फा, वही बीटा, वही डायरेक्शन, यानी कि इनटू कर दिया मैंने 3, ये आया मेरा बी वन वेक्टर का वैल्यू। सिमिलरली B2 की अगर बात करें, B2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, देखो बाहर, अल्फा बीटा इसके लिए भी 45, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई वन नहीं, करंट आई टू है, म्यू नॉट आई टू अपॉन 4πd, डी बोले तो
ए बाई टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, या सिंगल वायर कोई लफड़ा नहीं है, यानी कि ये आ गया वन अपॉन वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू, यानी कि टू बाई रूट टू डायरेक्शन बाहर की तरफ, यानी कि प्लस के कैप। अब सवाल ये होता है कि तुम आई वन और आई टू निकाल के यहाँ डालो, उसके बाद बात करते हैं। अब आई वन आई टू कैसे निकाले, एक बात बताओ, करंट में मैंने बताया है कि यार ये वायर है तीन वायर से मिलके बना है, अगर सबका क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों सेम मटेरियल से बना है, तो ये होगा 3R, नीचे वाला कितना होगा R होगा। अगर करंट I फ्लो कर रहा है, नीचे गया I2 ऊपर गया I1, करंट रेजिस्टेंस के अपोजिट रेशियो में डिवाइड होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, यानी कि I1 जो होगा वो होगा R अपॉन टोटल, I1 निकालना तो नीचे वाले लो, R अपॉन 4R इनटू टोटल करंट I, यानी कि I अपॉन 4। I2 जो होगा वो होगा नीचे में करंट निकालना, ऊपर वाले को लो 3R अपॉन 4R, करंट अपोजिट रेशियो में डिवाइड होता है, मैं बता चुका हूं करंट में देखना, इनटू I कितना आ गया, ये आ गया 3I अपॉन 4। मैंने करंट निकाल लिया I1 I2, जैसे तुमने I1 I2 को डाला, देखना मैं पिक्चर दिखा रहा हूं क्या होने वाला है, जैसे मैं B1 की वैल्यू को निकाल रहा हूं, B1 की वैल्यू करो 3 म्यू नॉट I1, I1 कितना है I अपॉन 4, 4 पाई a बाई 2, 2 अपॉन रूट टू माइनस के। सिमिलरली b2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I2, I2 कितना है 3i अपॉन 4, 4 पाई a बाई 2, 2 अपॉन रूट टू प्लस के। जब तुम दोनों को ऐड करोगे, देखो दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, देखो दोनों सेम है, यानी कि जब तुम b1 प्लस b2 को जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो। बहुत बेहतरीन सवाल है, नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो आएगी, इनकी और इनकी वजह से पहले ही जीरो आ चुकी है, इन चारों की वजह से मैंने कैलकुलेट किया, करंट डिवीजन रूल से I1 I2 को डिवाइड किया, ऊपर में जा रहा था I बाई 4, नीचे में जा रहा है 3I बाई 4, उसको डाला फॉर्मूले में, तो मैंने देखा कि एक की डायरेक्शन अंदर है, एक की डायरेक्शन बाहर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ऐड करें तो जीरो आ गया, इनकी और इनकी वैसे जीरो इसलिए आएगा क्योंकि ये लाइन, ये पॉइंट इस वायर की लाइन पे ही लाई कर रहा है। आगे बात समझ में, ये सारा बायोट सेवर्ट लॉ उसका कुछ एग्जाम्पल की बात हुई, आगे अपन और भी एग्जाम्पल करने वाले हैं बायोट सेवर्ट लॉ के, ताकि अच्छे से अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना आ जाए। आ रही बात सुनिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।